ना, उसी लोकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। जी मैम। हाँ मैडम, मैंने मेल के जरिए बकायदा अपनी जो लोकेशन है उसका सारा का सारा चीज, जो आपके वो आता है नेट वेलोसिटी करके जो आपका ऐप है उसका, मैंने वो भी भेजा हुआ था। ओके सर, सर आपका जो है ना, आपके एरिया में जो आपने जो कंप्लेन दिया था ना सर, जी उस कंप्लेन में जो है ना सर, आपको ऑलरेडी मतलब लिमिटेड नेटवर्क कवरेज जो रहता है ना सर, जी उसकी वजह से आपको जो करेंटली उसके प्रॉब्लम, उसकी वजह से आपको इश्यू हो रहे हैं सर। आपका कंसर्न ऑलरेडी नोट किया गया है सर, आपने जो कंप्लेन दिया था ना उसके साथ ऑलरेडी कंसर्न भी नोट कर चुका है सर, और उसके लिए आपको थोड़ा स्टेप्स भी ले रहे हैं सर इम्प्रूव करने के लिए कवरेज को आपके लोकेशन में। आपको फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको बहुत जल्दी जो है ना सर इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं सर। मैडम, 1 महीने हो चुके हैं, 31 जनवरी 2018 को मेरी कंप्लेन है। बहुत जल्द का मतलब क्या होता है मैम? ओके सर, बहुत शायद मतलब मैं समझ रही हूँ आप जो भी बता रही है ना सर, मैं समझ मुझे रही हूँ सर, लगता है, लेकिन नहीं मुझे लगता है मैम आप लोग नहीं समझ रहे हैं। नहीं नहीं सर, एक नहीं चीज, सर एक चीज बताएं, जो आपके टर्म कंडीशन है जब मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये तो एक मतलब कहा जाए व्यवहारिक है कि मैंने अगर किसी चीज को खरीदा तो वो जो चीज है वो मेरे को मिलनी चाहिए। आप मुझे जी वह चीज जी नहीं दे रहे हैं मैम। ओके सर, मैं मुझको आपको जरूरत पड़ रही है, मैं घर को छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठ के तब नेट का उपयोग कर रहा हूँ मैम, इसलिए मैंने नेटवर्क नहीं यूज किया हुआ है, नहीं लिया हुआ है। ओके सर जी, मैं यहाँ पे मेंशन भी करती हूँ सर, लेकिन आपको ना सर मतलब ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना सर, इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको बहुत जल्दी जो है ना मैम इम्प्रूव वही करने मैं के। जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम का मतलब क्या है, वो जी सर थोड़ा समय अभी क्या है? 31 जनवरी 2018 की कंप्लेन हमारी है, उस समय मुझसे कहा गया था थोड़ा टाइम, मैंने फिर बीच में वेट किया, बात किया, आज 1 महीने लगभग होने जा रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप फिर आज हमसे बोले कि थोड़ा टाइम। मैडम वो आपकी जो वो कहा जाए उसमें मतलब आपके टाइम टेबल में थोड़ा समय का क्या मतलब होता है मैम? जी सर, आपको अगर आपके जो है ना सर आपका कंप्लेन जो दिया था ना यहाँ पे जो है ना, अगर कुछ टाइम और डेट अपडेट रहेगा तो हम लोग जरूर इन्फॉर्म करते हैं सर। फिलहाल के लिए मैम आपको देखिए बहुत एक चीज जल्दी बताइए, हमने जो सर्विस ली है वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ली है कि सर्विस को यूज करने के लिए है? जी, यूज करने के लिए सर। तो फिर मैम मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझको ये करिए थोड़ा टाइम वेट कीजिए। अभी आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप हमसे यही बोल रही हैं कि थोड़ा टाइम और वेट कीजिए। मैडम वो थोड़ा टाइम क्या है वो मुझको तो कंफर्म कर दें, मेरी समस्या तो वही है कि आप कब तक इस चीज को इम्प्रूव कर देंगे? सर अब जो भी वही सर, आपको थोड़ा टाइम मतलब जितना टाइम बोल के कुछ टाइम और डेट अपडेट रहेगा ना सर, हम लोग जरूर इन्फॉर्म करते हैं सर। फिलहाल के लिए ना मैडम सर एक चीज अब बताइए, सबसे पहला चीज इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सिम नहीं लिया है, अपनी बात पर आप न रहें, आप कंज्यूमर की बात को समझिए। मैंने सिम को यूज करने के लिए लिया हुआ है ताकि मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर प्रॉपर तरीके से मैं आपकी जो सर्विस है उसका लाभ ले सकूँ, जी ठीक है? उसका बात जी। अब आप हमसे 1 महीने के बाद भी अगर आप मुझसे कह रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन मेरा था आज से 1 महीना पहले भी जब मैं बात कर रहा था तब भी मेरा क्वेश्चन यही था कि हमको जो है सर्विस चाहिए, वो बोले थोड़ा टाइम वेट कीजिए, काफी डिस्कस हुआ लेकिन थोड़ा टाइम का मेरे को पता नहीं चला। आज 1 महीने के बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप फिर वही बात मुझसे कह रही हैं कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैडम मैंने जब रिचार्ज किया अपने मोबाइल को तो आपकी जो टर्म कंडीशन है उसके हिसाब से आपने मेरे को डेट और टाइम दे दिया है कि इस टाइम पर आपका जो ये है वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाएगी, दोबारा फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। जिस पीरियड में मैं इस सर्विस को नहीं ले पा रहा हूँ मैम, वो सर्विस आप मेरे को बढ़ा के देने वाले नहीं हो और आप अपना वादा भी पूरा नहीं कर रहे हो, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि हाँ हमारी सर्विस ये कब तक हो जाएगी, आप मुझको यह कहकर संतुष्ट करना चाह रहे हो कि मेरे पास टाइम की जानकारी नहीं है इसलिए मैं टाइम की जानकारी नहीं दे सकती हूँ, ये गलत बात है मैम। जी सर मैं समझ रही हूँ, और आपको जो है ना सर यहाँ पे मैं आपका फीडबैक जो है ना सर जरूर लेती हूँ, मैं आपका फीडबैक जरूर मेंशन करती हूँ सर, आपको ये प्रॉब्लम के लिए कॉल किया है बोल के, आपको फिर से प्रॉब्लम हो रही है बोल के मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ सर। फिर से नहीं मैम, मेरी मेरे रेगुलर फिर से का मतलब होता है ये कि मैंने बीच में इसको जो सर्विस थी वो आपने हमको दिया, फिर से मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, रेगुलर मेरी प्रॉब्लम बनी हुई है। वही सर, उसमें ही मैं मेंशन करती हूँ जो प्रॉब्लम के लिए आपने कंप्लेन दिया था ना सर, उस कंप्लेन में ही मैं मेंशन करती हूँ सर कि आपने जो है ना ये प्रॉब्लम जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, बार बार आपकी प्रॉब्लम को बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोल के ही मैं मेंशन करती हूँ आपको यहाँ आप पे। कीजिए मैम। और आपको जी सर जरूर, 1 मिनट रुकिएगा सर, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, आपको बहुत जल्दी इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये जो है ना सर अगर कुछ टाइम और डेट अपडेट यहाँ पे जो है ना अभी मतलब आपको प्रॉब्लम हुई है, आपको टाइम और डेट कुछ अपडेट भी देने के लिए, और आपका फीडबैक जो रहता है ना सर, हेलो जी जी मैम सुन रहा हूँ। जी, वो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ सर, अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग जरूर इन्फॉर्म करते हैं सर। मैडम मुझे अपडेट नहीं, मुझे सर्विस चाहिए।
अपडेट अपडेट मुझे सर्विस चाहिए, मैं सर्विस के लिए सिम को लिया हूँ, सर्विस यूज करना चाहता हूँ। वही जी जी मैं समझ मैं वही सर मैं इसके वही मेंशन कर रही हूँ कि आपको जो है ना सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इसके लिए आपने बहुत सी बार ऑलरेडी कॉल भी कर चुका है, मैंने चेक किया है सर ये कंप्लेंट देने के बाद भी कॉल किया है, मैं यहाँ पे मैं जरूर मेंशन भी करती हूँ सर, ये प्रॉब्लम जो भी है ना आपका हम लोग यहाँ पे जरूर मेंशन करते हैं सर, आपको जो है ना कुछ अपडेट मिलेगा तो हम जरूर इन्फॉर्म करते हैं सर। हेलो हाँ हाँ मैम सुन रहा हूँ जी सर, एक मिनट। हेलो सर जी मैम जी सर मैं आपको मेंशन किया है सर कि आपका प्रॉब्लम जो है ना अगर कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं मतलब जो प्रॉब्लम हुआ है ना आपको कि कितना टाइम कुछ अपडेट क्या प्रॉब्लम हुआ है बोल के आप कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं जरूर इन्फॉर्म करती हूँ सर। मैडम मैं ये चीज कंफर्म होना चाहूंगा कि आप क्या आप उसमें मेंशन किए हैं, जो आप मेंशन कर रहे हैं उसमें आपने क्या लिखा है, क्या दिखाया है, मेरी प्रॉब्लम को आपने क्या शो किया है वहाँ पर। जी सर कि आपको नहीं सर ऑलरेडी आपने एक कंप्लेन दिया था ना सर, वो इतने दिन हो गए ऑलरेडी कस्टमर जो है ना कॉल कर रहे हैं इतने बार और उसके बाद भी इतने बार कॉल कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसका आपका जो सर्विसेस है ना सर वो इम्प्रूव नहीं हुआ है बोल के सर। तो वो सर्विसेज क्या है जो मुझे नहीं मिल रहे हैं उसको तो आप दिखाएंगे? नेटवर्क आपको नेटवर्क नहीं नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहे, इंटरनेट ठीक से नहीं चला पा रहे ना आप। जी मैम वही तो इसका मुझको इसका मैडम इसका नया सर्विस नंबर मिलेगा मैम? नहीं सर नया सर्विस नंबर नहीं सर, जो कंप्लेंट दिया था ना आपने हाँ। उसी में मेंशन कर रहे सर। ठीक है मैम ठीक है ओके सर जी सर जी आपसे कॉल करने के लिए धन्यवाद सर।